भले सारी जिंदगी लड़की कुमारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। हिंदी फिल्मों की मशहूर मौसी, जो कभी एक्ट्रेस की माँ के किरदार में नजर आई, कभी भाभी, चाची तो कभी नानी बनी। उन्होंने जो भी किरदार निभाया उसमें ऐसी जान फूंक दी कि वो हकीकत से भी ज्यादा सहज और स्वाभाविक नजर आने लगा। सचमुच तो बड़ी प्यारी है, पैसों के लिए मुझे कभी तकादा नहीं करना पड़ता। क्यों रे ठकरियो, कल रात को तुम दोनों के घर बड़े हंगामे हो रहे थे। उनका साड़ी के पल्लू को बार बार संभालना, तेज तर्रार अंदाज में डायलॉग बोलना और चेहरे के गजब के हाव भाव से अपनी बातें बताना। कल गोपी की शादी में तेरे सर पर चेहरा होगा। अरे गोपी की शादी में तुझे सहनाई बजाना नसीब है, वही गनीमत मत, भाग यहाँ से, भाग। 5 दशक तक के अपने लंबे करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया और हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय का लोहा मनवाती रही। अरे वो छोकरिया, दिन भर हवा हवाई घूमती हो, मगर मैं कोई काम बोलूं तो जू नहीं रेंगती कान पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले वो एक शुद्ध देसी बिना पढ़ी लिखी घरेलू महिला थी, जो घूंघट में घर से बाहर निकला करती थी और फिल्म के सेट पर भी पहली बार घूंघट में ही पहुंची थी। लेकिन हम तो अपना धर्म कर्म नहीं छोड़ सकते, हमारे यहाँ तो छींक आने पर भी स्नान करना पड़ता है। क्या आप मानेंगे कि अपने करियर की शुरुआत में ही उन्होंने फिल्मों में किसी के साथ रोमांटिक सीन करने से साफ इनकार कर दिया था और ताउम्र अपने इस शर्त को कायम रखा। यहाँ हमें 20-20 साल शादी किए हो गए, लेकिन ये न जाना कि प्रेम क्या चीज है, क्या अटक गया प्रेम के बिना हमारा। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई फिल्म नहीं देखी। तेरे साथ सिनेमा नाटक का भूत ना उतार दिया तो मेरा नाम नहीं। अरे मीना कुमारी का कभी कोई पिक्चर देखा है तुमने? ना मैंने तो नहीं देखा, तू ही अंदर बैठ के देख। कौन थी वो अनोखी अदाकारा जिनकी 12 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी और वो 17 साल की कच्ची उम्र में 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी, जो फिल्मों में काम करने को बस एक नौकरी समझती थी, ज्यादातर को एक्टर्स को पहचानती तक नहीं थी और अपने एक्टिंग के बल पर दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। कौन था वो कलमुआ? अठन्नी की मटकी का सत्यानाश कर दिया। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। यूपी के एक छोटे से गांव की जमींदार परिवार की एक बहू, जिनकी बचपन में ही शादी करा दी गई हो और जो 17 साल की उम्र में 2 बच्चों की मां बन चुकी हो, हर जगह अपने चेहरे को घूंघट से ढक कर जाती हूँ। अगर वो अचानक सिल्वर स्क्रीन पर चमकने लगे और करोड़ों दर्शक उनकी कला के दीवाने हो जाएं, तो आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसी ही कहानी है हिंदी सिनेमा की जानी मानी चरित्र अभिनेत्री लीला मिश्रा जी की। तो आज के अपने इस शो में हम बात करेंगे लीला मिश्रा जी की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ बेहद दिलचस्प किस्सों की, कहानियों की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। उन्होंने दिया और आपने लिया, जैसे वो देने वाले वैसे आप लेने वाले, फिर कहेंगे मैं जल्लीकट्टी बोलती हूँ। लीला मिश्रा, जिन्हें लोग शोले की मौसी के नाम से भी जानते हैं। जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। फिल्मों में उनकी संवाद अदायगी, उनका अलहदा अंदाजे बयां और चेहरे का हाव भाव हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। पहले हमें देती, फिर लपेटे। उन्हें देखकर कभी कभी तो हमें ऐसा लगता था कि हम अपने गांव पहुंच गए हैं और अपनी किसी नानी, दादी या बुआ मौसी को सामने देख रहे हैं। मेरे सिवाय तुम्हें दुनिया में ना पसंद क्या है, ये तो बताओ। गवई ठेठ देसी अंदाज में जब वो डायलॉग बोलती थी तो मानो वास्तव में किरदार में उतर जाती थी। तू तो जलते बारा भैया, जब तक लड़की डोली करना बैठ जाए, मतारी बाप के चैन कहाँ। कभी सौम्य स्वभाव की बड़े दिल वाली तो कभी दकियानुसी ख्यालों वाली। कभी वैम्प का किरदार तो कभी फुल कॉमेडियन। क्या
हिंदी सिनेमा की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा कलाकार रहा हो जिसने इतनी ज्यादा वास्तविकता और सहजता के साथ अपने किरदारों को निभाया हो। यहाँ 20 साल हो गए शादी हुए, पर अभी तक घर में थाली नहीं बची, भूत बन के भटकोगे भूत। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी भी उनके सिर से पल्लू नहीं हटता था, और हटता भी तो वो इसे खींचती रहती थी, और यही बन गया उनका सिग्नेचर स्टाइल। आई जीनत बिटिया, तुम्हारी मत मारी गई है, अल्लाह ना करे कहीं सर्दी समा गई तो जान के लाले पड़ जाएंगे। लीला मिश्रा ने हमेशा अपने रोल को अपने अभिनय से और निखारा और बॉलीवुड की फिल्मों में जान फूंकने का काम किया। लेकिन बताते हैं कि उन्हें कभी इस बात का अंदाजा नहीं रहा कि वो क्या कर रहे हैं। उनके लिए सिनेमा में काम करना बस एक नौकरी थी, जिसके लिए वो सुबह तैयार होकर टिफिन लेकर जाती थी और शाम को वापस आ जाती थी। यहाँ तक कि वो तो अपने दौर के सुपरस्टार्स को भी नहीं पहचानती थी, क्योंकि ना ही कभी फिल्म देखने थिएटर में जाती थी और ना ही किसी पेज 3 पार्टी में, तो भला पहचाने कैसे। इसी तरह एक बार वो काका यानी राजेश खन्ना को पहचान नहीं पाई। जानती है कौन है? इस शहर के सबसे बड़े रईस आनंद बाबू, मेरे बड़े पुराने वाकिफ हैं। इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि वो टिकटों और टैक्सियों पर पैसे खर्च नहीं करती हैं, बल्कि अच्छा खाना खाती हैं और घर पर रहकर रामायण जैसी किताबें पढ़ती हैं। इतनी लंबी चौड़ी क्यों बकवास कर रहा है? कौन है तू? मैं आनंद बाबू का रिश्तेदार। अरे तो यहाँ किससे रिश्ता जोड़ने आया है? मुंह संभाल के बात कीजिए आप। तू मुंह संभाल के बात कर, हमारे घर में आके हमें धौंस दिखाता है। आज के अपने इस वीडियो में हम इसी सीधी सादी शख्सियत की फिल्मोग्राफी और उनकी निजी जिंदगी के बारे में विस्तार से जानेंगे। मेरे 7 बेटे हैं, 1 से 1 बढ़कर, और 6 बहुएं, चंपा, माया, दुर्गा, 1 से 1 सुंदर। लीला मिश्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जैस क्षेत्र में 1 जनवरी 1908 को हुआ था। उनके पिता जमींदार थे और माता गृहिणी थी। तब देश में अंग्रेजी शासन था और पिछड़ेपन की वजह से लड़कियों की शिक्षा दीक्षा ज्यादातर घरों में नहीं हो पाती थी। बच्ची लीला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं, अलबत्ता महज 12 साल की मासूम उम्र में लीला की शादी करा दी गई और वो पहुंच गई ससुराल। उनकी शादी वाराणसी के एक जमींदार परिवार में हुई थी और उनके पति का नाम था राम प्रसाद मिश्र। जब वो 17 साल की थी तो 2 बच्चियों की माँ बन चुकी थी। लीला मिश्रा भले ही दकियानूस सोसाइटी से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उनके पति कुछ आजाद ख्यालों वाले थे। ऑर्थोडॉक्स फैमिली की मुखालफत के बावजूद लीला के पति राम प्रसाद का अक्सर बॉम्बे आना जाना लगा रहता था और वो यहीं पर कश्मीरी नाटकों में काम किया करते थे। बताते हैं कि राम प्रसाद ने कुछ साइलेंट फिल्मों में भी कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। बॉम्बे में ही राम प्रसाद के एक मित्र भी रहते थे, मामा शिंदे, जो कि दादा साहब फाल्के की फिल्म कंपनी में काम करते थे। एक दिन जब वो राम प्रसाद के घर आए तो उन्होंने लीला को देखकर राम प्रसाद से उन्हें फिल्मों में काम करने को लेकर सलाह दी। पहले तो राम प्रसाद ने कहा कि लीला नहीं मानेंगी, लेकिन बाद में पति के समझाने पर लीला मान गई। आपको मेरे साथ मुंबई चलना होगा, देखिए इनकार ना कीजिएगा। पर उन दिनों अभिनय को अच्छी चीज नहीं माना जाता था, इसलिए घर वालों ने खूब विरोध किया। लेकिन फिर भी पति पत्नी ने साथ में एक फिल्म साइन की। ये फिल्म 1936 की फिल्म थी सती सुलोचना। इस फिल्म के लिए पति राम प्रसाद मिश्र को जहां 150 रुपए मासिक पर रखा गया था, तो वहीं लीला मिश्रा को 500 रुपए मासिक वेतन दिया जाता था। जाहिर है उस समय फिल्मों में महिलाएं बहुत मुश्किल से मिला करती थी, इसलिए लीला को ज्यादा पैसे मिलने लगे। लीला मिश्रा जब पहली बार स्टूडियो पहुंची तो घूंघट डाल रखा था। वो तो घर गृहस्थी चलाने में पति की आर्थिक मदद की चाहत से नौकरी करने गई थी। काम तो करने लगी, लेकिन पति पत्नी ने एक साथ जब कैमरे के सामने एक्टिंग की तो ओवर एक्टिंग ज्यादा लगने लगी और दोनों का कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दिया गया। इसके बाद वो दोनों कुछ और जगहों पर काम की तलाश में जाने लगे, लेकिन जब लीला ने फिल्मी दुनिया में काम करने के तरीके को देखा तो वो हैरान रह गईं। उन्होंने देखा कि किस तरह से पराए मर्द महिलाओं को टच कर रहे हैं और इसे सीन की डिमांड बताया जा रहा है। पर लीला मिश्रा के लिए किसी गैर मर्द की बाहों में बाहें डाले रोमांस के सीन शूट करना संभव नहीं था।
उन्हें कुछ फिल्में ऑफर हुई जिसमें उनका किरदार लीड रोल का था, लेकिन इन सब में वो किसी गैर मर्द से ऑन स्क्रीन रोमांस वाली बात पर अड़ गईं। लीला ने एक फिल्म होनहार साइन की, लेकिन इन्हीं वजहों से उनको फिर परेशानी होने लगी और फिर बखेड़ा खड़ा हो गया। फाइनली उन्हें कहा गया कि वो हीरो की माँ का रोल अदा करें और इसके लिए लीला तैयार हो गई और महज 18 साल की उम्र में खुद से बड़ी उम्र के एक हीरो की माँ का रोल उन्होंने अदा किया। लीला ये रोल करने के लिए तैयार हो गई और इस किरदार में गजब का परफेक्शन दिया। दुआएं मांग मांग कर परवरदिगार ने ये दिन दिखाया कि मेरा शहजादा सही सलामत अपने घर वापस आया। अम्मी। और यहीं से शुरू हो गया लीला मिश्रा का फिल्मी सफर। खुदा मग़फ़िरत करे, जावेद मियाँ के अब्बा मरहूम का कौल था कि बच्चों को हमेशा किसी न किसी बुजुर्ग के साये में परवरिश पानी चाहिए। 40-50 के दशक में फिर उन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। इन फिल्मों में 1941 में रिलीज फिल्म चित्रलेखा, 1946 में आई म्यूजिकल हिट अनमोल घड़ी, 1947 की फिल्म ऐलान, 1948 की रामबाण, 1950 में आई शीश महल, 1951 में राज कपूर की हिट फिल्म आवारा, 1952 की फिल्म दाग, 1957 की गुरुदत्त की फिल्म प्यासा, 1958 की फिल्म लाजवंती, तो और भी कई मशहूर फिल्में शामिल हैं। फिर 1960 के दशक तक आते आते लीला मिश्रा ने अपनी ऐसी पहचान बना ली कि उन्हें ध्यान में रखकर किरदार गढ़े जाने लगे और उनका रोल भी अब काफी मजबूत होने लगा। 1960 के दशक में आई उनकी प्रमुख फिल्में रहीं 1960 की कॉलेज गर्ल, 1961 की सुहाग सिंदूर, 1962 की उम्मीद और भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तुही प्यारी चढ़ई बो, 1964 की लीडर और दोस्ती, 1967 की राम और श्याम, बहु बेगम और मजली दीदी, तो वहीं 1969 की फिल्म धरती कहे पुकार के। 70 के दशक की बात करें तो 1971 में एक क्लासिक फिल्म आई अमर प्रेम, जिसमें लीला मिश्रा एक अलग ही अंदाज में नजर आईं। देखा कैसे आंच के चली गई, जैसे मैं इनसे भीख मांगती हूँ, अपने लिपस्टिक पाउडर पर सैकड़ों रुपया बर्बाद करती हैं और जब मुझे पैसा देना होता तो इनकी नानी मरती है। इसके साथ ही 70 के दशक में वो दर्जनों हिट फिल्मों में अभिनय करती नजर आईं, जिनमें मेरे अपने, परिचय, सौदागर आदि फिल्में काफी चर्चित रहीं और इनमें लीला मिश्रा जी का काम भी खूब सराहा गया। तभी 1975 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने लीला मिश्रा को घर घर में स्थापित कर दिया। ये सुपरहिट फिल्म थी शोले। अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है, बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं। इस फिल्म में एक आइकॉनिक किरदार था मौसी का। फिल्म में नायिका बसंती की मौसी का किरदार निभाते हुए लीला मिश्रा ने उस किरदार को जैसे अमर ही कर दिया। ओहो, मैंने तो बैत का नाम भी नहीं लिया और तूने पूरी कथा सुना दी। तो फिर कौन सा काम था? कच्चे आम लाने को नहीं कहा था अचार के लिए, पर तुझे याद रहे तब ना? जिसने भी शोले फिल्म देखी होगी उसे मौसी और जय का संवाद और धर्मेंद्र का टंकी पर चढ़कर मौसी को धमकी देने वाला सीन जरूर याद होगा। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं। आज भी फिल्मों से लेकर आम जिंदगी तक में इसे उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस फिल्म में मौसी के बोलने का तरीका, उनका चिंता जाहिर करना और जय के साथ उनकी दिलचस्प बातचीत ने करोड़ों दर्शकों को लोटपोट कर दिया था। जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उनका इकलौता ऐसा रोल था जिसमें उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया हो। लीला मिश्रा जी ने अपने करियर में कुल 200 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से आपको दर्जनों ऐसे किरदार मिल जाएंगे जिनमें उन्होंने यादगार काम किया है। तेरा सत्यानाश हो, तुझ पर खड़े कर बिजली टूटे, कहीं तूने इस घर की इज्जत का जनाजा तो नहीं निकाल दिया, कहां गायब कर दिया बिटिया को। जैसे 1975 में शोले के साथ ही रिलीज हुई एक और सुपरहिट फिल्म जय संतोषी माँ, कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली इस फिल्म में भी लीला मिश्रा जी को खूब सराहा गया। तो
70 के ही दशक में कुछ और फिल्मों में लीला मिश्रा जी की खास भूमिका नजर आई, जिसमें फिल्म गीत गाता चल, बैराग, महबूबा, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, शतरंज के खिलाड़ी और बातों बातों में आदि शामिल हैं। 80 के दशक तक आते आते उनकी उम्र 70 को पार कर गई थी, लेकिन फिर भी उनके काम करने के हौसले में कोई कमी नहीं आई थी। वही तेज तर्रार अंदाज और हाजिर जवाबी। तभी 1981 में एक फिल्म आई नानी माँ, जिसने लीला जी को वो सम्मान दिलाया जिसकी वो हकदार थी। इस फिल्म के लिए उन्हें 73 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ हास्य डिप्लोमा पुरस्कार मास्को फिल्म समारोह में हासिल हुआ। इसके बाद 80 के दशक में भी उनका फिल्मी सफर बेधड़क जारी रहा। 1982 में फिल्म आमने सामने, 1983 में सदमा, 1984 में अबोध, 1985 में प्रेम रोग और 1989 की फिल्म दाता उनकी प्रमुख फिल्में रहीं। लीला मिश्रा ने बॉलीवुड के अलावा भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया और अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बनाई। वहीं बात करें उनके बच्चों की, तो उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया और अपना अलग करियर बनाया। 17 जनवरी 1988 को मुंबई में 80 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से लीला मिश्रा जी का निधन हो गया। करीब 50 साल तक फिल्मों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाली लीला मिश्रा जी को भारतीय दर्शक कभी भुला नहीं पाएंगे। हम उन्हें जब भी देखेंगे, हमें अपनी माँ, मौसी, नानी या दादी की याद जरूर आएगी। भले ही अब लीला मिश्रा जी हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए किरदार लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसी महान अभिनेत्री को हमारी श्रद्धांजलि। तो आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही आपको लीला मिश्रा जी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी हो तो वो भी हमें लिखकर बताना मत भूलिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी भी मिल जाएगी। अगर आप कोई सलाह या सुझाव देना चाहते हैं तो हमें मेल भी कर सकते हैं। आपको लीला मिश्रा जी की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है ये भी ज़रूर बताइएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूँ कि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रैवल ब्लॉग की सैर भी कर सकते हैं। वहाँ आपको अलग अलग जगहों, मोनूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए कुछ और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।